डियर फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो पब्लिश करने जा रहे हैं वह है कोई कलम, जिसे गुठली कलम कहते हैं, मराठी में कोई कलम कहते हैं, और कुछ लोग इसे अंग्रेजी में स्टोन ग्राफ्टिंग करते हैं। तो मित्रों, अभी जो सीज़न चालू हो गया, आपको देसी, जनरली देसी गुठली के पेड़ों पे जो अपन गुठली कलम जो करते हैं वह बहुत जानदार होती है, इसलिए कि जो देसी आम की जो गुठलियाँ जो रहती हैं वह मजबूत रहती है और ताकतवर रहती है। तो इसलिए ये बेस्ट होगा कि आप देसी गुठलियों का हो सके तो इस्तेमाल कीजिएगा। तो अभी ये साइन सिलेक्शन किस प्रकार करने का वो तो मैं बता चुका हूँ, मेरे वीडियोस देखिएगा आप साइन सिलेक्शन के, और साइन कितने दिन तक पेड़ पे रहनी चाहिए। तो मित्रों, कोहली साइन अगर से सिलेक्ट की तो वहाँ सक्सेस नहीं हो पाती है, ख्याल में रखिए। कम से कम साइन की एज 8 महीने से 12 महीने की एज की चाहिए जनरली, और वहाँ जो साइन सिलेक्शन का वीडियो है उस पर जाके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम लोग यानी किस प्रकार साइन सिलेक्शन। मेरे दो वीडियोज हैं, मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाने का मित्रों, क्योंकि अब अगर अभी आप नए ग्राहक हो, सब्सक्राइबर हो, कंसीडर करो, और तो आपको ये नए वीडियोज़ मिलेंगे, इसलिए आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देखना है आपको। तो बहुत सारे मेरे वीडियोज हैं, सभी वीडियोज़ तो यहाँ देखिएगा, मैं साइन सिलेक्शन तो आपको पता चल जाएगा मेरे साइन सिलेक्शन में एकदम डार्क ग्रीन, हालांकि ये थोड़ी कम डार्क ग्रीन है मित्रों, यहाँ 6 महीने पुरानी साइन है, परंतु इनका सक्सेस रेट उतना नहीं रह पाता, और इसमें इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपको 8 महीने से 12 महीने की ऐसी साइन सिलेक्शन करने का ये थोड़ी कवली। अब ये टेम्परेचर कितना चाहिए इसको, कोई भी ग्राफ्टिंग को, अपना मैंगो ग्राफ्टिंग के लिए स्पेशली, कि इसको आप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ले, और बारिश का मौसम। तो मित्रों देखो, यहाँ जो गुठली रूट के साथ में अगर से लॉट अप है आपके पास में तो एक जगह बैठ जाएगा, पूरी उखाड़ के एक जगह इनको रख लीजिएगा, और उसके बाद एक साथ आप बांध लीजिएगा बैठ के, और बाद में उनको पैकेटिंग कीजिएगा, पैकेट में लगाइएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, अगर से आप पैकेट में अगर गुठली की कल में तैयार कर तो गुठली लगाते हो, उगाते हो, या कहीं धुरे उरे में लगाते हो, या कहीं किस जगह आप प्लान करना है वहाँ लगाना चाहते हो, तो वहाँ पर उखाड़ने की गरज नहीं, आप उसी पर वैसे ही सॉइल में रख के आप कर सकते हो। मैं ये इसलिए बताया कि आपको 50-60-100 अगर से गुठलियाँ अगर से वाफे में तैयार किए, गादी वाफे में अगर नर्सरी में, और उसको एक साथ बांधने की है, तो ये प्रोसेस उसके लिए मैं बताया हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपकी गुठलियाँ अभी तो देखो उसको आप, हमने अभी जो देखा पिक्चर में तो अभी साइन को कट लगा रहे हैं अपन वी से, लेकिन उसके पहले जो अपन ने गुठली को जो देखा तो 3 से 4 इंच 5 इंच का पौधा चाहिए, निकला हुआ लाल पत्ती चाहिए, और उसको 3 इंच ऊपर से हमने उड़ा दिया, और उड़ाने के बाद में उसमें चाकू इंसर्ट कर दिया 1 से 1.5 इंच, और अब हम इसको साइन को वी शेप में देखिएगा, तो साइन को जब छीलते अपन तो 1 इंच से 1.5 इंच सफिशियंट है मेरे ख्याल से। यहाँ पर सिर्फ हम 2 इंच कहाँ छीलते हैं, बार्क ग्राफ्टिंग में डालते वक्त बड़े पेड़ों की टहनियों में, ये ख्याल में रखें, ये डिफरेंस है थोड़ा। तो इसमें आप अगर से 1 इंच भी रखते हैं तो भी सफिशियंट है मित्रों, देखो ये ऐसा है, 1 से 1.5 इंच रख सकते हैं, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसे हमने वी शेप मारा, और आप इसके लिए सिंपल मार्केट में जो ब्लेड मिलता है दाढ़ी बनाने का वो खरीद कर लाकर आप कर सकते हैं, या तो फिर प्रोफेशनल तौर पे आप पतला वाला चाकू इस्तेमाल कीजिएगा जिसकी ब्लेड पतली हो, तो आप इसे बडिंग नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में मिलती है। और मैंने और इसे देखिएगा, हमने वी शेप में, और मैंने आज अब किसी बंदे ने कहा है कि सर हम काली टेप इलेक्ट्रिक की यूज़ कर सकते क्या, तो मित्रों आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे वीडियोस में टेप का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आपको बता ना, टेप का जो बाइंडिंग है वो टाइटनेस नहीं रहता मित्रों, एक खासियत है। तो मैंने आज झिल्ली कैसे काटनी की, पॉलीथीन कैसे काटनी, कहाँ मिलती है, उसका भी वीडियो मैंने आज बनाया है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा कि स्ट्रिप कैसे बनाई जाए। और आपको ये जैसे कोई कलम है, ये जो गुठली कलम है ग्राफ्टिंग, इसके लिए 0 माइक्रोन की पॉलीथीन इस्तेमाल करने की, जो हम मार्केट में
टक्कर वक्कर लाते हैं, सामान लाते किराना दुकान से, वहाँ झिल्ली और वो वर्टिकल फाड़ने का, उसको हॉरिजेंटल नहीं, उसका कारण भी किसी ने मुझे पूछा था, तो मैंने उन्हें बताया कि उसको वर्टिकल जो है वो इलास्टिसिटी स्टिप के ज़्यादा रहती है। तो यहाँ देखो, यहाँ बांधने की भी कला मैं बता चुका हूँ इसके पहले कि झिल्लियाँ कैसी बांधी जाती है ग्राफ्टिंग को, उसका भी वीडियो मैंने डाला है, तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा मित्रों। क्योंकि कुछ लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं अभी नए वीडियोज़ देखने के बाद में, तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो आप जो भी वीडियो देखते हैं, ये देखो बांधने की कला आप देखते रहिए। बांधने की जो कला है तो वो एक बहुत सिंपल कला है, देखिएगा मैंने कैसी बांधी, तो ऐसा है, टाइटनेस आना चाहिए मित्रों। तो यहाँ पॉलीथीन में इलास्टिसिटी होती है, देखो तंती है यहाँ इलास्टिक, ऐसा है, इस प्रकार से बांध दीजिएगा। तो लॉट ऑफ परसेंट में अगर करते हैं तो इस प्रकार आप बांध के एक साथ 20 25 50 बैठ के एक जगह बांध लीजिएगा, और उसके बाद में पॉकेट में लगाने का, तो ये प्रॉपर प्रोसेस है। तो मित्रों मैंने टेम्परेचर भी बता दिया, और वो जो पोर्शन जो काटते हैं अपन सायन का, उसे उंगली स्पर्श ना कीजिए, टच नहीं हो शरीर का, क्योंकि फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ गुठली कलम करने की है, और इसका टेम्परेचर भी बता दिया, मंथ भी बता दिया, जून जुलाई में आपको यहाँ करनी है, और इसके ऊपर जो और पॉलीथीन अपसाइड डाउन ऊपर से ढक के रख देने की, और धूप में रख देने का, जहाँ पानी भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जॉइंट को पानी नहीं लगना चाहिए मित्रों, ख्याल में रखिएगा। और उसको ज़्यादा नहीं, 12-14 दिन के बाद में वो पॉलीथीन निकलवा लीजिएगा। तो आपको अगर से सायन आपकी ख़राब हो रही है समझो, तो ये कब समझ में आ जाएगा, अगर से सिकुड़ गई आपकी सायन समझो, कंसिडर करो, तो आपका वहाँ पता चल जाएगा आपको कि सायन सिकुड़ गई है, फेल हो गई करके। तो मित्रों इस प्लांट को फिर फेंकने का नहीं, अब आपका पौधा ख़राब हो गया है तो उसे गुठली से नीचे से आपकी ब्रांचेस मिलेगी, तो उस ब्रांचेस को बढ़ने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीना लगेगा। तो अक्टूबर महीने में या तो सितंबर माह में, अक्टूबर महीने में आप फिर उसी पौधे को बढ़ने दीजिएगा, 1-2 फुट का होने दीजिएगा, और हरा जो पार्ट मिलेगा उस पर आप 1 फिट के ऊपर से या 2 फिट के ऊपर से फिर आप इस प्रकार का वी ग्राफ्टिंग फिर कर सकते हैं मित्रों। तो आप और यह रिजल्ट आपको ग्राफ्टिंग का जो सायन है, पैकेट फिलिंग भी देख लीजिएगा किस प्रकार पैकेट फिलिंग मैंने की है, तो पैकेट फिलिंग किस प्रकार की जाती है, छेद क्यों डाला किया जाता है, नीचे से कोई भी गमले उमले को पैकेट को वो भी बता दिया है, परकोलेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ हमारा वीडियो तैयार हो गया है, और इसमें जो पत्ते आने के बाद में कीड़े अगर खाते हैं तो तंबाकू का जूस बनाने का, नहीं तो नीम के पत्तों का काढ़ा बनाने का, उबाल के और उसको स्प्रे करने का मित्रों। तो ये जो कीटक जो पत्ते खाते हैं वो नहीं खाएंगे आपके पत्ते। तो इस प्रकार आप पॉलीथीन, तो यहाँ मैंने वो हाथ ग्लव का एक ये डाल दिया है, आप अगर से चाहोगे तो